आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। रूफ बोल्टिंग के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, जिसमें स्टील बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। आज का वीडियो आप देखते रहिए, आज हम लोग एक नई तरह के बोल्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए उद्घाटन करते हैं आज के वीडियो का। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। तो काफ़ी दिनों से हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में सजेशन आ रहा था कि मैनेजर की फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास की एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक्स अपलोड करें। तो आपके इसी डिमांड को पूरा करने के लिए हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, मैनेजर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, जहां पर आपको आने वाले दिनों में और भी मैनेजर एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगी। बहरहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो का, जिसका टॉपिक है FRP एंड GRP। FRP मीन्स फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर एंड GRP मीन्स ग्लास रीइंफोर्स्ड पॉलीमर। FRP और GRP एक स्पेशल टाइप के रॉक बोल्ट्स होते हैं, जिनका प्रयोग जनरली साइड्स को सपोर्ट करने में किया जाता है। इनका प्रयोग मेजरली कंटिन्यूस माइनर वाले पैनल में किया जाता है। FRP फाइबर के बने रीइंफोर्स्ड पॉलीमर होते हैं, वहीं GRP ग्लास के बने रीइंफोर्स्ड पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर होने के कारण ये कंटिन्यूस माइनर से इजिली कटेबल होते हैं और कोल कटिंग में कोई भी अड़चन नहीं डालते। ये गोल लंबे आकार के होते हैं, जिनमें थ्रेडिंग किया हुआ रहता है। जस्ट लाइक स्टील बोल्ट, इनको भी इनके नापी के नट, कॉनिकल सीट और डोम्ड वाशर प्लेट के साथ टाइट किया जाता है, और इन्हें जाम करने के लिए स्पेशल टाइप के रेजिन कैप्सूल का प्रयोग किया जाएगा। ये रॉक बोल्ट्स काफ़ी हल्के और फायर रेजिस्टेंट होते हैं। DGMS ने इन रॉक बोल्ट्स की कुछ स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई किया है। दीज स्टैंडर्ड्स आर, इनकी थ्रेडिंग की लंबाई कम से कम 150 mm तक रहेगी, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 850 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी, इनकी पीक लोड 320 किलो न्यूटन होगी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट FRP एंड GRP। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और एक माइनिंग स्टूडेंट की ताकत दिखाएं। अगर आपके मन में कोई सुझाव या सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट के फॉर्म में बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।